ओके सो गाइस, सबसे पहले MKS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन पे दबा के ऑल पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो ग्यारहवीं कक्षा के लिए गणित का होगा और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नौवां चैप्टर अनुक्रम एवं श्रेणी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम मनोहरे की बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। यूपी बोर्ड में सबसे अधिक मनोहरे की मांग होती है। अब अगर मनोहरे बुक पढ़ ले जाएंगे आप, ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए NCERT तो पूरा पढ़ ले जाएंगे और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपके पास हो जाएगा, इसीलिए मनोहरे की बुक से भी पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग नौवां चैप्टर जो अनुक्रम एवं श्रेणी है उसमें से 9.1 कवर कर चुके हैं। आज हमारा अगला चैप्टर 9.2 का होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमने 9.1 को पूर्ण रूप से बताया। आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर 9.1 ना देखे हों तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है, गारंटी है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी, अनुक्रम एवं श्रेणी तो पढ़ चुके हैं, लेकिन श्रेणी है प्रोग्रेशन। श्रेणी का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन। हमें यहाँ दो श्रेणी के बारे में अध्ययन करना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एक पढ़ना है समांतर श्रेणी जिसका नाम है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, और शॉर्टकट में इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, AP कहते हैं। दूसरा नाम है गुणोत्तर श्रेणी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसे हम लोग शॉर्टकट में GP कहते हैं। हमें इन दो श्रेणियों के बारे में अध्ययन करना है। हम लोगों के समय में एक तीसरा था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरात्मक हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, लेकिन हमें वहाँ अब ये चीज़ नहीं पढ़ना है, बस मुझे समांतर पढ़ना है और गुणोत्तर पढ़ना है। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे आज, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर जब खत्म हो जाएगा तो हम गुणोत्तर की तरफ क्या करेंगे, रुख करेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। पहले समांतर श्रेणी हम बहुत अच्छे से आपको बता देते हैं कि ये होता क्या है। अब श्रेणी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं। अब श्रेणी के आगे एक आ गया है समांतर। तो पहले हम लोग क्या समझते हैं, समांतर का मतलब क्या होता है। समांतर, अगर समांतर का संधिविच्छेद करेंगे आप लोग तो आपको दिखाई देगा समान धन अंतर। समान धन अंतर का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर हो, एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। समान अंतर का मतलब ये है कि प्रत्येक पद में कोई नियत संख्या जोड़ी या घटाई गई हो, तब तो अंतर समान होगा ना। एक नियत संख्या जोड़ी या घटाई गई हो तब वह श्रेणी हमारा समांतर में होगा। तो एक बार पुनः, समांतर श्रेणी, समांतर का संधिविच्छेद, समान धन अंतर, एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर विद्यमान हो, उपस्थित हो, तो इस प्रकार के श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। अगर कोई पूछे ये किस प्रकार की श्रेणी है तो हमें अब यह बताना पड़ेगा, ये तो एक श्रेणी है लेकिन किस प्रकार का श्रेणी है, हमें अब इस चीज का भी ज्ञान होना जरूरी है। वो समय आ गया कि हम बताएं कि यह श्रेणी किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो हमने कहा समान धन अंतर, आपको दिख रहा होगा कि अगर हम दो में दो जोड़ दें तो 4 मिलेगा, 4 में 2 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 में 2 जोड़ दें 8 मिलेगा, 8 में 2 जोड़ दें 10 मिलेगा। इसी प्रकार से हमें आगे का भी ज्ञान हो गया कि 10 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 12 होगा, 2 जोड़ दें 14 होगा। ऐसे ये श्रेणी आगे की तरफ अग्रसर है, बढ़ती जाएगी। तो आपने क्या देखा कि श्रेणी में अंतर जो है वो समान है। समान अंतर का तात्पर्य इस बात से है कि अगर इस पद में 2 जोड़ दें तो अगला पद मिलेगा, इस पद में अगर 2 जोड़ दें अगला मिल जाएगा, इस पद में अगर 2 जोड़ दें तो अगला मिल जाएगा, इस पद में अगर 2 जोड़ दें अगला मिल जाएगा। मतलब अगला पद प्राप्त करने के लिए उस पद में हमें क्या करना पड़ेगा, एक नियत संख्या 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो भैया
ये अंतर सब में क्या है, समान अंतर है ना, तो ये कौन सी श्रेणी होगी, ये हमारी समांतर श्रेणी होगी, इसीलिए इसको हम डॉट 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 आर एन ए पी कह सकते हैं। आर एन ए पी का मतलब क्या है कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 आर एन ए पी, मतलब ये कौन सी श्रेणी होगी भैया, समांतर श्रेणी होगी। इतना बात तो स्पष्ट हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है ना, मेहरबानी करिए बता दीजिए कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आया, क्योंकि हम आपको यहाँ आए हैं बताने के लिए, समझाने के लिए कि आपको समझ में आना चाहिए, हर एक बात छोटी से लेकर के बड़ी बात हम समझाने यहाँ आपको आए हैं। मेरा एक उद्देश्य है YouTube पर आने का कि मैं आपको अप टू डेट कर दूँ, जीरो टू हाई कर दूँ, शून्य से शिखर ले जाऊँ, बस मेरा एक उद्देश्य होना चाहिए, और आपका भी उद्देश्य होना चाहिए कि मनीष सर से हमें समझना है तो समझना है, चाहे जिस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें जीरो से लेकर के हीरो बनना है, आपको हीरो बनाने का कार्य मैं करूंगा, बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने कहा समांतर श्रेणी, एक बार पुनः इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, श्रेणी हमको दो पढ़ना है, एक समांतर एक गुणोत्तर, श्रेणी को प्रोग्रेशन, ये टू टाइप के हैं, एक अर्थमेटिकल है और एक ज्योमेट्रिकल है, शॉर्टकट में एपी, शॉर्टकट में जीपी। पहले हम समांतर का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पहले हमें समांतर के बारे में ही पढ़ना है। समांतर, समांतर का मतलब है समान धनांतर, बात से स्पष्ट, समान धनांतर, एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों में समान अंतर हो को क्या कहलाता है भैया, समांतर श्रेणी कहलाता है। बाई दिस एग्जाम्पल हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक हमारे पास सीरीज है, एक प्रोग्रेशन है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, आपने देखा कि इस श्रेणी के प्रत्येक पद में दो का एक नियत अंतर चल रहा है, मतलब इस संख्या में दो जोड़ दें, पहले पद में जोड़ दो दो जोड़ दें अगला पद, अगले पद में दो जोड़ दें अगला पद, इस प्रकार से अगर हम पहले पद में दो जोड़ दें दूसरा, दूसरे में दो जोड़ दें तीसरा, तीसरे में दो जोड़ दें चौथा, चौथे में दो जोड़ दें, तो भैया दो 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 क्या है, दो दो, ठीक है ना, दो दो का मतलब है समान अंतर, और समान अंतर तो भैया होगा क्या, वो समांतर, ये बात समझ में आ गया ना, तो इस नियत संख्या क्या जोड़ना पड़ेगा, दो जोड़ना पड़ेगा। और मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है एक श्रेणी, ठीक है ना, 198, 96, 94 डॉट डॉट डॉट, अब कोई पूछे ये किस प्रकार का प्रोग्रेशन है, तो आइए अगर हम पहले वाले पद में दो निकाल दें तो हमें अगला वाला पद मिल जाएगा, अगर हम दूसरे वाले पद में दो निकाल दें तो तीसरा पद मिल जाएगा, अगर अगले पद में दो निकाल दें अगला पद मिल जाएगा, अगले वाले पद को पाने के लिए इस पद में हमें कितना घटाना होगा, -2 घटाना होगा। तो आपने क्या देखा कि अगर हम यहाँ से पहले पद में से इतना घटा दें तो अगला पद, इसमें से अगर इतना घटा दे तो अगला पद, इसमें से अगर -2 घटा दे अगला पद, तो भैया प्रत्येक प्रत्येक पहले मतलब प्रत्येक पद में अगर -2 जोड़ दिया जाए, -2 जोड़ने का मतलब है दो घटाने का, ठीक है ना, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो मुझे अगला पद मिलता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा एक समान अंतर है कि नहीं है, इस प्रकार के श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हम समझ गए होंगे, आप लोगों को समझ में यह चीज़ आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब आइएगा, समांतर श्रेणी की पहचान तो आप लोग कर ले जाएंगे ना भैया, मतलब अंतर अगर समान विद्यमान होगा तो इस प्रकार का श्रेणी कैसा होगा, समांतर हो जाएगा। अब आइए एक चीज और बता देते हैं, जो समान धन अंतर होगा उसको हम लोग कहते हैं सार्वांतर, क्या कहते हैं भैया, सार्वांतर कहते हैं, ठीक है ना, सार्वांतर। और सार्वांतर की जो अंग्रेजी होती है वो होती है कॉमन, कॉमन डिफरेंस, ये सार्वांतर की अंग्रेजी होती है कॉमन डिफरेंस, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। बात समझने का प्रयास करिएगा, समांतर श्रेणी तो पहचान कर ले गए, अंतर जो समान होगा उसका एक नाम हम लोग देंगे, उस समान अंतर का नाम होगा सार्वांतर,
अगर इसका संधिविच्छेद करें तो सर्वाधन अंतर, सर्वा का मतलब क्या होता है, जो अंतर सभी जगह विद्यमान हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर। और जब अंतर सभी जगह समान विद्यमान होगा तभी तो समांतर कहलाएगा ना भैया लोग, बच्चा लोग समझ में आ रहा है ना। तो उस समान अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांतर। और इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस होती है। इतना बात समझ में आ गया। अब आइएगा दूसरा चीज पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। हाँ, एक चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, डाल लीजिएगा हेडिंग, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। डालेंगे हेडिंग समांतर श्रेणी, ब्रैकेट में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और शॉर्टकट में एपी लिख लीजिएगा। ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद कामा पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसे संक्षेप में सश्रेय ब्रैकेट में एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसे संक्षेप में सश्रेय ब्रैकेट में एपी लिखते हैं। फिर लिखेंगे लाइन छोड़ करके नोट, इस नियत संख्या को ही सर्वांतर कहते हैं, जिसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात ये भी स्पष्ट है कि सर्वांतर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हमने आपको दिखाया 2, 4, 6, 8, 10 सर्वांतर पॉजिटिव चल रहा है, 198, 96, 94 कॉमन डिफरेंस निगेटिव चल रहा है, -2। बात समझ में इतना आ गया ना। अब डालेंगे हेडिंग अगला, समांतर श्रेणी का व्यापक पद जनरल टर्म ऑफ एपी। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, भैया किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप से, ठीक है ना, 76-32-72 पर, ठीक है ना, हमसे जुड़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम के लिए। मैं आपका सलूशन हूँ, ठीक है ना, मैं आपके लिए गाइड हूँ। कोई दिक्कत है तो हमसे शेयर करिए, समझने में या हमारे समझाने में कोई और इम्प्रूव आप करा सकते हैं तो बता सकते हैं, आपका वेलकम है किसी भी प्रकार का सजेशन देने के लिए। चलिए समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है ना। आइए हमने मान लिया समांतर श्रेणी चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, तो ये लिखने में थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम एपी ही लिखते हैं। मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये वह सर्वांतर डी है। अब डी प्लस में है, ठीक है ना, डी किस में है, प्लस में है। तब समांतर श्रेणी का पहला पद चाहे T1 कहीं और चाहे A1 कहीं, ठीक है ना। वैसे हमको T1 अच्छा लगता है यार, T फॉर टर्म, टर्म का मतलब पद, ठीक है ना। तो चाहे T1 लिखो चाहे A1, हम T1 ही लिखेंगे। तो पहला पद T1,
T1 का मतलब A प्लस 0D, बात समझ में आ रहा ना। और 0D को लिख सकते हैं या केवल और केवल ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी का दूसरा पद T2 होगा और ये होगा A प्लस D। समांतर श्रेणी का तीसरा पद T3 होगा और A प्लस 2D होगा। समांतर श्रेणी का चौथा पद T4 होगा, A प्लस 3D। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, नोटिस क्या करना है कि जब पहला पद है तो यक्को डिनाई है, जब दूसरा पद है तो 1D है, तीसरा पद है तो 2D है, चौथा पद है तो 3D है। तो एक चीज़ ये समझ में आ रहा होगा, जय पद है उससे DA क्या है, कम है। ये बात समझ में आ रहा ना, जयवा पद है उससे DA क्या है भैया, कम है, ठीक है ना। तो हमने पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाया। इसी प्रकार एक जनरल फॉर्म बनने जा रहा है। इसी प्रकार समांतर श्रेणी का यनवा पद, कौन पद भैया, यनवा पद। तो यनवा पद का मतलब हो जाएगा TN, और TN बराबर क्या होगा, TN बराबर हो जाएगा A प्लस, थोड़ा सा नीचे करो, A प्लस, ठीक है ना, A प्लस N-1 × D होगा। चलिए एक बार पुनः समझा दे रहे हैं। पहला पद A प्लस 0D, चाहे इसको A ही लिखें, ठीक है ना, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने से घटाने से उसके सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, जैसे हम कुछ भी खा ले पी ले ऐसे रहेंगे। समांतर श्रेणी का पहला पद T1 A प्लस 0D मतलब 1D कम, ठीक है ना, दूसरा पद 1D कम, तीसरा पद 1D कम, चौथा पद 1D कम, मतलब जय पद डी उससे एक कम, लेकिन एक चीज में कॉमन चल रहा है AA। इसी प्रकार समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होगा उससे एक कम, तो यन में एक कम करेंगे तो एक घटा दीजिए N-1, तो यही है समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला। मतलब ये जनरल फॉर्म होगा, जनरल टर्म ऑफ AP, ठीक है ना, समांतर श्रेणी का ये व्यापक पद है, इसके द्वारा समांतर श्रेणी का दुनिया का कोई भी पद आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात समझ में आया ना, ये आपका है समांतर श्रेणी का यनवा पद TN बराबर A प्लस N-1 × D है। अब आइएगा, इतना बात समझ में आ गया ना। दूसरी चीज क्या है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिए वीडियो या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए आगे चलते हैं, दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये है कि अगर हमारे पास समांतर श्रेणी का, जैसे मान लेते हैं पहला पद A हो गया, दूसरा पद A प्लस D हो गया, तीसरा पद A प्लस 2D हो गया, अरे भाई ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, इसी प्रकार से अगर हमारे पास यनवा पद कह दिया जाए तो A प्लस N-1 × क्या होगा, D होगा, और यही तो हमारा व्यापक पद है। अभी इस चीज के लिए मैंने बताया कि जब पहला पद होगा, अच्छा ये बताइए, जैसे मान लेते हैं एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 2 है, सार्वांतर आपके पास 1 है, कह दिया जाए बताओ श्रेणी बताओ कैसे बनेगा, तो आप क्या करेंगे, पहला पद है 2 है, अब 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 3, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 मिलेगा, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 मिलेगा, इसी प्रकार से डॉट डॉट। मतलब क्या है कि अगर हम पहले पद में जितना D हो उतना जोड़ दें तो हमें दूसरा पद मिलेगा, इस पद में जितना D है उतना जोड़ दें अगला पद मिलेगा, यही चीज तुमने बताया आपको भी। तो इसी प्रकार से हमारे पास पहला पद है A, दूसरा पद है A प्लस D, तीसरा पद है A प्लस 2D, इसी प्रकार से जो यनवा पद होगा वो होगा A प्लस N-1 × D। ये बात समझ में आ गया। अब ये बताइए
इसको यनवा पद जब हम कह दिए, ये हमारे पास कौन सा पद है? यनवा पद। अच्छा भैया ये बताओ, यनवा पद ही तो उसका अंतिम पद होगा, यन से बड़ा कोई पद होगा क्या? ये बताइए, इसका प्रथम पद तो ये हो गया, और इसका अंतिम पद क्या होगा? इसका अंतिम पद जो होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, अर्थात जब आपसे अंतिम पद पूछा जाए तो उसके लिए फार्मूला यही अप्लाई कर सकते हैं, l बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां l उस श्रेणी का अंतिम पद, ये उस श्रेणी का प्रथम पद, n पदों की संख्या, और d क्या होगा भैया? सार्वांतर होगा। चलिए ये बात समझ में आ गया। दूसरा चीज आप ये भी जान लीजिए कि मैं बता रहा हूँ, दूसरा चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास कितनी भी बझौलिया क्वेश्चंस क्यों ना हो, ठीक है ना, किसी किसी क्वेश्चंस में प्रथम पद और सार्वांतर डायरेक्ट दे देगा, और किसी किसी में इनडायरेक्ट होगा, तब श्रेणी पूछे जाएगा। श्रेणी बनाने के लिए एक बात क्लियर हो गई कि हमें उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात होना चाहिए। जब तक हमें श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर नहीं ज्ञात कर लेते हैं, तब तक भैया हम उस समांतर श्रेणी को कदापि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ ध्यान दे दीजिएगा कि कोई भी श्रेणी बनानी हो तो उसके लिए हमारा टारगेट श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर, इफ यू फाइंड बोथ देन यू फाइंड एनी टाइप प्रोग्रेशन, किसी प्रकार का श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जितनी विस्तृत क्यों ना हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने इसकी भूमिका थे, जितने इसके फार्मूले थे, कॉन्सेप्ट थे, हमने बताने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट देके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। भाई भी चैनल है, नया है, आप पढ़ाई करते तो कोचिंग में फीस देते, हम आपसे फीस नहीं मांग रहे हैं। सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में यूट्यूब है, बस आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से बताइए कि एक मनीष सर हैं जो कि आपको यूट्यूब के माध्यम से मनोहरे का बुक पढ़ाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा वो ले सके, ठीक है ना। वीडियो बार बार कह रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।